में जाना है, ना कहीं इंटरव्यू देना है, ना ही किसी से फ़ोन करवाना है, ना ही कोई अप्रोच है, तभी आपको जल्दी मिलेगा दूसरी स्टेट में, क्योंकि दूसरी स्टेट का डोमिसाइल तो है नहीं। DMC में दोगे, वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जाके देने हैं कॉलेज में, और वो सबमिट कर लेंगे और उसके आपको बता देंगे कि भाई मंडे से आपको ज्वाइनिंग है। हो गया, एक ही हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा है, सीखा है कुछ हेजिटेशन नहीं रखना है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। सो आज हम अपने चैनल पे एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किए, जो मौलाना आजाद से एब्रॉड से MBBS करके और मौलाना आजाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप कर रहे हैं। सो वेलकम टू जीत ब्लॉग्स डॉक्टर अनास भैया। हाय भाई, कैसे हो? बढ़िया। तो भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले, कि आप कहाँ से, किस कंट्री से आपने पास आउट किया था। मेरा नाम अपने मेरा नाम डॉक्टर अनस अली है। मैंने यूक्रेन खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से 2021 में पास आउट किया था, और उसके बाद 2021 जुलाई में पास आउट किया था। 2021 दिसंबर में मैंने अपना FMG लिखा था और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, जिसके रिजल्ट्स जनवरी में आए थे। सो भैया सबसे पहला प्रोसेस मैं ये जानना चाहूँगा क्या, क्योंकि जैसे FMG आपने पास किया, फिर उसके बाद तो कोविड के समय पे आपका प्रॉब्लम इश्यूज आई होंगे थोड़ी सी? हाँ, आई थी, प्रॉब्लम इश्यूज काफ़ी थे। तो कोविड के जी, तो उसको कैसे आपने सॉल्व किया था? मतलब उसमें कुछ अभी क्लासेस जो हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी, बट जो इशू आ रहा था, आप इंटर्नशिप के बारे में पता करना चाहते हैं ना, 1 year or 2 year वाला प्रोसेस? जी, उसका जो मेन है वो ये था कि अगर आप वहाँ पे हो, आप मतलब कोविड के टाइम 2020 से 2021 तक अगर आप यूक्रेन में थे, तो आपको फिर 2 साल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें 1 ही साल करना पड़ेगा आपको। और वो ये सब ऐसे पता चलेगा जब आपका पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैम्प देखेंगे वो लोग, ठीक है? जी, अगर वीज़ा स्टैम्प है कि उसमें प्रूफ करते हो कि आप आए इन इंडिया 2021 में और 22 में आप वहीं थे, 21 में स्पेशली, 20 और 21 में, तो उस केस में आपको फिर 1 year का ही करना है इंटर्नशिप। और सपोज अगर आप 2020 में इंडिया आए थे, कोविड टाइम इंडिया थे, तो फिर आपको 2 years का करना पड़ेगा इंटर्नशिप। वो सब आपके पासपोर्ट के वीज़ा स्टैम्प से पता चलेगा। और जो जैसे बोलते कि यूनिवर्सिटी में जाके पता करना वगैरह, ये सब तो कुछ नहीं होती, जो भी ऑफिशियली होता है कि पासपोर्ट से आपका FMG पता करेगा क्या कि इसने ऑनलाइन किया या ऑफलाइन किया? नहीं, देखो यूनिवर्सिटी से तो करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, बट ये लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट मांग रहे थे यूनिवर्सिटी से लेके आओ कि आपकी क्लासेज ऑफलाइन हुई थी, तो वो सब तो हम भी बनवा सकते हैं, बट जो मेन चीज़ें लोग चेक करते हैं वो पासपोर्ट पे इमिग्रेशन और चेक करते हैं स्टैम्प कि आपने कोविड टाइम में इंडिया अपनी कंट्री ट्रैवल किया था, आप कहाँ पे थे, उसके बेसिस पे लोग डिसाइड करेंगे कि 1 year होगा या 2 year होगा। तो बेसिकली है कि पासपोर्ट डाटा ही सबसे ओरिजिनल डाटा माना जाता, और कोई दूसरा डाटा नहीं पड़ा। तो भैया सबसे, हाँ, अभी जैसे हाल में FMG अभी रिजल्ट आई है, 2-5 दिन 4 दिन हो रही है, तो भैया सबसे पहला प्रोसेस क्या कि FMG की रिजल्ट आते हैं, उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, क्या चीज़, कौन सी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पड़ता है, उसका एक चेकलिस्ट बता दीजिए, और क्या प्रोसेस है काउंसलिंग के? जी, तो प्रोसेस ये है, जैसे आपका रिजल्ट आया अभी, उसके 1 week के विद इन स्कोर कार्ड आता है, ठीक है, उसके बाद आपको NB से मेल आएगा, उसमें मेल में ये रहेगा आपको आपका पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी कि सपोज जनवरी में रिजल्ट आया, फैब में रिजल्ट आया 4 फरवरी, तो अराउंड 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद आपको NB से आपको मेल आता है कि सपोज मार्च में 10 मार्च को 2 बजे आपको द्वारका में सेंटर है, NB का ऑफिस है, वहाँ पे आपको आना है और आके आपको अपना वो लेना है पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके लिए फिर आप वो कलेक्ट करने जाओगे पासिंग सर्टिफिकेट, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट से उसके लिए। अच्छा, ये जो पासिंग सर्टिफिकेट जो लेने जाना होता है, वो पेरेंट्स भी जा सकते हैं या स्टूडेंट को ही प्रॉपर जाना? ओनली स्टूडेंट जिसने एग्जाम दिया है, क्योंकि वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक डाटा सब कुछ होता है। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना पड़ता है वो रिसीव करने के लिए? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट सारी वीज़ा के साथ, स्टैम्प सारी,
और जी एडमिट कार्ड एफएमजी का, जी ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और ओके अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो जिस दिन जी की अपॉइंटमेंट मिलेगी उसी दिन जाना है, ठीक है? बाद में जी जाओगे वो देंगे नहीं, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो जी आपको फ्री रहना है उस टाइम की, आपको 10 मार्च 2 बजे है, तो 10 मार्च 1 बजे आपको दिल्ली पहुंचना है सेंटर पे। वहाँ पे अपॉइंटमेंट के टाइम ही जी आपको देंगे, वहाँ पे बच्चे को जाना है, बायोमेट्रिक होगा, वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, सब डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे। उसके बाद आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी के बाद आप किसी भी चीज़ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी मेडिकल काउंसिल में, ऐसा है। फिर उसके बाद तो वो काउंसलिंग प्रोसेस फिर कहाँ से फॉर्म फिलिंग देखो स्टार्ट कब से हो जाती? काउंसलिंग वाउंसलिंग तो अब हो गया जैसे पहले होता था, अब उसके बाद प्रोसेस ये रहता है, आपने जो सी भी स्टेट में अप्लाई करना है, सपोज आप दिल्ली से हो, ठीक है? तो दिल्ली में दिल्ली मेडिकल काउंसिल है, आपको वहाँ अप्लाई करना है। तो उसमें आपको पहले डीएमसी का सर्टिफिकेट बनवाना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, पासिंग सर्टिफिकेट के बाद आपको जाना है ऑनलाइन डीएमसी की साइट पे। अगर यूपी का यूपीएमसी की साइट है, यूपी मेडिकल काउंसिल, पंजाब मेडिकल काउंसिल, राजस्थान, सारी साइट्स हैं, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है? उसके लिए चाहिए होता है आपको क्या कहते हैं एफए, क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ, जैसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट, आपकी डिग्री ट्रांसलेटेड, उसके साथ मार्कशीट के सारे पेजेस, ठीक है? ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपके साथ लिस्ट भी शेयर कर दूंगा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जी ठीक है? उसके जी बाद जी आपको जी पहले वो अप्लाई करना है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन अप्लाई जी करोगे उसमें फिर एक और आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा कि भाई इस दिन आपको, तो जैसे आपको जिस दिन का अपॉइंटमेंट मिला वो टाइम उसी टाइम उसी दिन जाना है आपको वहाँ पे डीएमसी के ऑफिस पे। तब आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किए थे ना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, वो सारे जी आपको फोटोकॉपी करा के लेके जाने हैं डीएम जी भी जो भी मेडिकल काउंसिल होता है वहाँ पे, और वो लोग वहाँ पे सबमिट कर लेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, चेक करेंगे, वेरीफाई जी करेंगे। उसके बाद वो आपको जी प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे, जी ठीक है? जी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगा तो जो भी अपॉइंटमेंट, ये आपके ऊपर, आपको कभी की अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना सर्टिफिकेट प्रोविजनल, तो जी 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 आपको आपको आपसे पूछेंगे आपको किस डेट में आना है और किस टाइम आना है, ठीक है? तो आपको उसी टाइम जाना है, ये नहीं कि मतलब एक आगे पीछे कर दिया, मिस कर दिया। अगर सपोज आप उस दिन नहीं जा पाए तो आपको जब दूसरे अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको शायद 10 दिन 15 20 दिन का वेट भी करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, अपॉइंटमेंट ले ली नहीं गए ऐसा नहीं करना है, सेम टाइम जाना है, डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट कम होगा वापसी भेज देंगे आपको, अगर वापसी भेजा फिर आपको 20 25 दिन वेट करना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है? बाकी दोनों लिस्ट मैं जी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद वो लोग जी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, उसके 15 दिन के बाद वो आपको मेल कर देंगे आपका सर्टिफिकेट प्रोविजनल, ठीक जी है? उसके बाद क्या जी होगा, ऐसे डीएमसी था, ठीक है, या पंजाब मेडिकल काउंसिल है, उसके बाद वो जी लोग जी क्या, जी कोई सा भी स्टेट का। हाँ वो लोग क्या करेंगे फिर, अपनी साइट पे बताएंगे कि इंटर्नशिप की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? आपको मेल आएगा एक फॉर्म, फॉर्म में वो फॉर्म तभी भर सकते हो जब आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है, ठीक है? जी उसके जी बाद वो आप फॉर्म भरोगे, उसमें डिटेल्स डालोगे, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा आपको कौन से कॉलेज में चाहिए, ठीक है? जी प्रेफरेंस, 3 कॉलेज मिलते हैं, आपको अपना प्रेफरेंस डाल देना है। फिर मेडिकल जी काउंसिल वाले, आपको कि ना किसी हॉस्पिटल में जाना है, ना कहीं इंटरव्यू देना है, ना ही किसी से फ़ोन करवाना है, ना ही कोई अप्रोच है, काउंसिल वाले ही लिस्ट जी निकालेंगे, वो खुद आपको कॉलेज अलॉट करेंगे। जी बट जैसे आप दिल्ली की हो तो मैं ये कहना चाहूँगा दिल्ली वाला बच्चा दिल्ली में करे क्योंकि वो डोमिसाइल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, पंजाब वाला पंजाब में जी करे, जौन सी स्टेट वाला अपनी जी स्टेट में करो, उन सबको मिलेगा। जी जी अगर आप दूसरी जी स्टेट में आके करना चाहते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, 200+, जी तभी आपको जल्दी जी मिलेगा दूसरी स्टेट में, क्योंकि दूसरी स्टेट का डोमिसाइल तो है नहीं, और कुछ कुछ स्टेट बोल रहे हैं कि डोमिसाइल वालों को ही देंगे, मतलब डोमिसाइल मस्ट है। तो अगर कोई बच्चा दिल्ली का, दिल्ली में क्या कहना चाहता हूँ, दिल्ली में करो टाइम से चाहिए तो, अगर हाँ आप वेट कर सकते हो जी 3 4 5 महीने तो आप दूसरी स्टेट जाओ और वहाँ वेट करो, ये प्रोसेस है सारा। तो उसके बाद आपका जी प्रोफेशनल आ गया, आपने भर दिया फॉर्म वॉर्म भर दिया इंटर्नशिप के लिए, फिर 15 दिन बाद वो लोग लिस्ट निकालते हैं, ठीक है? मैं ये कहना चाहूँगा जब भी कोई भी फॉर्म भरोगे इंटर्नशिप का या प्रोफेशनल के लिए, प्लीज़ रीचेक कर लेना जी डाटा, क्योंकि ये एक बार जमा हो गया तो उसको चेंज कराने में बहुत इशू होता है, और आपने डॉक्यूमेंट कुछ और दिया, डाला कुछ और है, तो वो कैंसिल भी कर देते हैं। तो आपको अपना डाटा बहुत अच्छे से देख के रखना है उसमें,
उसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। और इस मिनिमम प्रोसेस में आपका पासिंग सर्टिफिकेट आने में अराउंड 1.5 महीने लग जाएंगे मिनिमम, और 1.5 महीने आगे लग जाएगा मिनिमम 1 महीना जब अप्लाई करोगे ना इंटर्नशिप के लिए। और एक और चीज़ कहता हूँ, हर स्टेट मेडिकल काउंसिल है ना, सबका अलग अलग रूल्स हैं, कोई पासिंग सर्टिफिकेट के बाद दे देता है। बट अब ये हो गया है, NMC का जो नया रूल आया है 7.5% कोटा रहता है FMG के लिए इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है, तो उतनी सीट मिलेगी, बट उस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम भी लग सकता है, और ये स्टेट मेडिकल काउंसिल ही डिसाइड करेगा, आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना आप जाके जी। हाँ, ये रूल है जो अभी अभी हुआ है हमारे टाइम से जी। ओके, और फिर ये यूनिवर्सिटी जाके, फिर सारा यूनिवर्सिटी जाके फिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, जैसे यहाँ से तो हो गया कि ठीक है अपना स्टेट, जैसे उन्होंने आपको बताया कि आपको ये कॉलेज मिला है इंटर्नशिप के लिए, उसमें आपको जाके वही 10th 12th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी आपका, और शायद कुछ डॉक्यूमेंट वो मांग लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो एक्स्ट्रा रहता है, और मार्कशीट, डिग्री, ये जो आप जो डॉक्यूमेंट आप DMC में दोगे वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जाके देने कॉलेज में, और वो सबमिट कर लेंगे, और उसके आपको बता देंगे कि भाई मंडे से आपको ज्वाइनिंग है, आप जाओ, फिर इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। एक तो ये हो गया जी, एक ही हो गया, और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ हेजिटेशन नहीं रखना है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, हमें तो टेक्निक्स नहीं आती, हमें कैनुला नहीं आता, कैथेटर लगाना नहीं आता, RT नहीं आती जी। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, जब मैं भी गया था एज एग्जाम्पल, मैंने शायद पहले एक या दो बार सैम्पलिंग किया था अपनी लाइफ में, बट अब ईजिली मैं 10 से 12 सैम्पलिंग ईजी करता हूँ, कैनुला भी डालता हूँ, तो सब प्रैक्टिस है, कोई इशू नहीं है, हम ये चीज़ें सीखने के लिए इंटर्नशिप, तो यहाँ विदाउट हेजिटेशन जाना है, कुछ नहीं सोचना, आप जाओगे तो यू विल लर्न ऑटोमेटिकली, आप सब चीज़ सीखोगे और आपको आ जाएगी जब प्रैक्टिस में आता है, तो बस ये है एक ही दिमाग में चीज़ रखने की, सीखना है हमें अच्छा डॉक्टर बन के निकलना है, सीखना है, तो उससे क्या है मतलब चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी, कंटिन्यूस प्रैक्टिस चलता रहेगा तो सब चीज़ बेटर हो जाती है फिर जी। जी भाई, और भी स्टेफेंस कितने अप्रॉक्स में मिल जाते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स स्टाइपेंड दे रही है, ऐसे कि ओडिशा है जो मेरे नॉन में है, मैंने पता करा है वहाँ पर स्टाइपेंड मिल रहा है, पर दिल्ली में अभी तक किसी बच्चे को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्टाइपेंड अराउंड दिल्ली में 22,000 है, ओडिशा में 28 है, किसी स्टेट में 27 है, ऐसा है, ठीक है, वो स्टेट टू स्टेट है, कुछ स्टेट्स दे रही हैं, कुछ स्टेट्स नहीं दे रही हैं, ऐसा है स्टाइपेंड का। एकोमोडेशन भी कुछ स्टेट्स दे रही हैं, कुछ स्टेट्स नहीं दे रही हैं, वो स्टेट वालों के ऊपर है। क्यों? इसमें ये और कितने आवर की ड्यूटी होती है, जैसे अभी लगातार कुछ दिनों से देख रहे हैं क्या कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी देखो वो मैं कॉलेजेस के ऊपर है, आपने कौन सा कॉलेज लिया, जैसे कुछ कुछ कॉलेज के हॉस्पिटल बड़े हैं, वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ ड्यूटी आवर्स भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। जैसे अब मैंने मौलाना आजाद कर रखा है, उसमें क्या उनका हॉस्पिटल LNJP JB Pant भी है, तो वो मतलब एशिया में top 3 जो बड़े हॉस्पिटल्स में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से फिर आपको भी ज़्यादा ही काम रहता है, तो वो भी वर्कलोड ऐसा है, मिनिमम आप 6 घंटे मिनिमम है, 6 से 7 घंटे तो मिनिमम है ही, और कैजुअलिटी रहती है तो 24 आवर्स भी रहता है हर तीसरे दिन, ठीक है, 24 आवर ड्यूटी भी रहता है, बट मिनिमम आप पकड़ के चलोगे तो 6 से 7 घंटे आपको मिनिमम रखना है। बट अगर आपकी पोस्टिंग मेडिसिन है, मेडिसिन गाइनी या सर्जरी, उसमें 12 आवर्स भी हो जाते हैं जी। और जैसे शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मिनिमम 6 से 7 घंटा रहता है, 9 to 4 9 to 3 रहता है। अच्छा भैया, जैसे क्या कि सारे बच्चे को तो सीट नहीं मिल पाती, जैसे कि अभी हाल में एक वेस्ट बंगाल की स्टूडेंट थी जिन्होंने FMC अपना क्लियर कर लिया था, बट उन्हें कोई भी कॉलेज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था इंटर्नशिप के लिए उसको, क्योंकि उन्होंने FMG पास कर लिया था, फिर भी उसके बाद 2-3 कॉलेज में काउंसलिंग करवाई थी, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे मेरे पास सीट नहीं है। हाँ, ये इशू आया था, इशू इसलिए आया था, जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे आप सपोज करो बम्बई के हो, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, आप दिल्ली आ गए, आपको इंटर्नशिप करना है, अब नए रूल के हिसाब से वो लोग क्या होते हैं, डोमिसाइल वाले को प्रेफरेंस दे रहे हैं, अब आपके मार्क्स भी कम है और आपके पास डोमिसाइल भी नहीं है, और आपने आपकी स्टेट में निकला, वहाँ पे आपने फिल नहीं करा, आप आगे दूसरी स्टेट करने, यार मैं तो दिल्ली करूँगा,
अब क्या है, दिल्ली जी में जी लिस्ट जी आई, दिल्ली में जो दिल्ली वाले बच्चे थे उनको तो मिल गया। अब आपके पास डोमिसाइल नहीं, ठीक है, अब डोमिसाइल नहीं है तो अब दिल्ली में क्या था, ऐसे 10 बच्चे हैं, 10 में से 8 सीटें तो दिल्ली वालों के लिए थी, 2 सीटें बाहर वालों के जी लिए नॉन डोमिसाइल। जी अब जो दो जी सीटें बची हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता था, जिनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं। जी अब सपोज आपके जी मार्क्स कम हैं, देखो सब पास हैं, सब वेल क्वालिफाई हैं जी इंटर्नशिप के जी लिए, बट जी जैसे ही जी अगर आपके मार्क्स कम हैं तो वो 2 सीटें उनको ही मिलेगी, इसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, तो जो बाहर जी स्टेट ऑफ वाले कोर्स हैं, जो बाहर स्टेट वाले हैं वो दूसरी स्टेट जाएंगे तो उनको ये इशू आता है, वो क्योंकि डोमिसाइल नहीं है। हाँ अगर आप अपनी स्टेट में हो तो आपको 100% आपके स्टेट काउंसिल सीट देगा, ऐसा है। अच्छा, अगर भैया जैसे ये बार क्या हुआ कि मैंने दूसरा स्टेट का भर दिया जो नहीं भरना चाहिए, बाई चांस गलती मेरे से हो गई, या मैं क्या हुआ कि एप्लीकेशन फॉर्म निकला और मैं काउंसलिंग के लिए उसका अप्लाई नहीं कर पाया, हाँ, तो फिर क्या उसके बाद नेक्स्ट बार में कर सकते या फिर से एफएमसी देखो, देके हमको करना पड़ेगा? नहीं आप अप्लाई कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कभी भी। अगर आपने दूसरी जगह प्रोविजन ले लिया बट आपको वहां पे नहीं करनी है, आपको दूसरी स्टेट में करना है, सपोज बहुत बच्चों ने दिल्ली का ले लिया था बट दिल्ली में मिली नहीं, आप कहीं और से कर रहे हैं, तो आपको उस मेडिकल काउंसिल से एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको देंगे, जी जी उसके बाद फिर आप जी किसी भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, जी ऐसा ये रूल होता है। अच्छा, और ये जरूरी है क्या कि गवर्नमेंट से करना है, कोई अगर प्राइवेट से करना नहीं चाहे नहीं तो देखो, प्राइवेट ही पहले मेडिकल? पहले होता था, एक नया रूल आया था नवंबर 2021 से एनएमसी का, उसके बाद से जो कॉलेजेस उन्होंने क्वालिफाई कर रखे हैं आप वहीं कर सकते हो, और अब तो डीएनबी इंस्टीट्यूट उन्होंने हटा दिए हैं, अब आप खुद से भी नहीं कर सकते ना, खुद ही वो अलॉट करते हैं, तो नए रूल के हिसाब से हाँ आप खुद चूज भी नहीं कर सकते ना, वही आपको अलॉट करेंगे, तो हाँ वो कॉलेज अलॉट कर रहे हैं जो एनएमसी से वेरीफाइड हैं, क्वालिफाइड हैं इंटर्नशिप कराने के लिए। जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि ना आपने अपना एक्सपीरियंस जर्नी शेयर किया हमारे चैनल के माध्यम से, और आई होप कि एक और वीडियो बनाएंगे आपके साथ कि आपकी जरूर जो फर्स्ट ईयर से यूक्रेन की जो जर्नी रही है एफएमजी तक की, और मौलाना आजाद इतने बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से एक्सपीरियंस वीडियो लाएंगे। बट ये वीडियो ज़रूरी थी क्योंकि अभी एफएमजी तुरंत कुछ बच्चों ने कम्प्लीट किया और उसको चाहिए था कि ये गाइडेंस की किस तरह मिले प्रॉपर, तो मैंने सोचा कि आपके माध्यम से अपने ऑडियंस को जरूर ये मतलब पहुँचाएं कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है और कैसे वो कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई कोई कांटेक्ट में सीनियर्स उतने होते नहीं है, तो फिर जल्दी उन्हें पता नहीं चल पाता स्टेप वाइज। तो सो जी गाइज, और जो भी चेकलिस्ट है भैया से मैं लेके, और वेबसाइट का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेकलिस्ट आप देख लीजिएगा जहाँ जहाँ भी है, सारा जगह चेकलिस्ट में भी, चेकलिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक यू, वेलकम भाई, वेलकम, कंग्रेचुलेशन सबको।